जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। दौसा जिले के बांदीकुई में कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वालों को जी न्यूज इंडिया चैनल परिवार सलाम करता है। साथ ही सभी सक्षम लोगों से अपील भी करता है कि जरूरतमंद लोगों को भोजन देकर सहायता करनी चाहिए। यह काम हम सभी का कर्तव्य है कि तिगड़ा में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांदीकुई एटीएम पिंकी मीना के नेतृत्व में 50 पैकेट वितरित किए गए। गौरतलब है कि कोलवा एसएचओ बनवारीलाल व पुलिस स्टाफ के द्वारा अपने निजी खर्चे पर गरीब और मजदूरी करने वाले लोगों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार करवाकर बांदीकुई एटीएम पिंकी मीना दसवा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर बांदीकुई डीवाई एसपी संजय सिंह चंपावत के नेतृत्व में खाद्य सामग्री वितरित की। एक पैकेट में 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, चाय का पैकेट तथा बांदीकुई से कैलाश चंद सैनी की रिपोर्ट। जी सर। हाँ, मैं तहसीलदार बसु हूँ। लोगों को अवेयर करने के लिए हमने सभी गांव में एक समिति बना रखी है। वो समिति सबको जागरूक कर रही है और नीडी व्यक्तियों को भी ध्यान रख रही है कि कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं हो जो इसको खाने पीने की कोई समस्या हो रही हो। और ऊपर से जितने भी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार हम अक्षर से पालना कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो लोगों का आवाजाही का काम है वो बिल्कुल बंद है। बहुत ही कोई मेडिकल बेसिस पे कोई आदमी इस तरह से जाना चाह रहा है उसी का जो है आवागमन हो रहा है, शेष सब लोग बंद है। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।